हजारीबाग से बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद का अपने पैसे से सड़क मरम्मती के दौरान जेसीबी चलाने का मामला विवादों में घिर गया है। लोग पूछ रहे हैं कि अंबा प्रसाद ने कब जेसीबी चलाने की ट्रेनिंग ली और कब हेवी कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस लिया। अगर अंबा प्रसाद के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं है तो फिर कैसे उन्होंने जेसीबी चलाई। दरअसल अंबा ने बड़कागांव के एक सड़क के गड्ढों को भरने के लिए अपने पैसे से स्टोन चिप्स और डस्ट मंगवाए थे। इसी को समतल करने के लिए जेसीबी भी मंगाई गई थी। इस दौरान जेसीबी को थोड़ी देर के लिए अंबा ने भी चलाया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के ऐसे भारी वाहन चलाता है तो यह गैरकानूनी माना जाता है। वहीं बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद ने मरम्मत के दौरान ग्रामीणों से कुदाल भी मंगवाई और स्वयं नाली सफाई कर लोगों से कहा कि अपने घर के पास नालियों की सफाई जरूर करें। अगर कहीं भी कचरा साफ अगर लोगों को लगता है कि वहाँ पे दिक्कत है तो मैं खुद जाऊँगी साफ करने, सारा कचरा मैं साफ करूँगी, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घर का साफ सफाई और अपने घर का कचरा वो सही जगह पे रखें, और कहीं भी इस तरह का कचरा का जमावट है तो श्रम दान करके लोग एक दूसरे का सहयोग से साफ सफाई में भाग लें। अभी हम लोग बड़कागांव का भी जो रोड है, जो बड़कागांव से लेकर ये चौक होते हुए आगे से लेकर चौक होते हुए हजारीबाग ये कारगिल पेट्रोल पंप से आगे तक का रोड हमारे विधानसभा में हमने इस मामले को उठाया था, तो उसके आलोक में ये रोड भी बन रहा है और उसको भी हम लोग अपने निरीक्षण और मॉनिटरिंग में ये रोड का देख रेख कर रहे हैं ताकि सही से ये बने, क्योंकि ये मुख्य सड़क है, यहाँ फिर से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।